नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे सोने की, जहां पर 2305 स्पॉट में हाई बनाने के बाद अब 2280 के नीचे के कारोबार हैं। पिछले 24 घंटे में दो सेशंस में कुछ मुनाफा वसूली आई है। क्यों आई है, क्या है इसके रीजन, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर $91 प्रति बैरल के लेवल्स हम अपने ब्रेंट में बनते हुए देखे हैं। जिस तरफ जो भी आप यहां पर फंडामेंटल देखें ऑन द पॉजिटिव साइड है, कितना इंपैक्ट यहां पर और रह सकता है, स्पेशली जब यहां पर सभी वॉल स्ट्रीट बैंक्स का मानना है कि 95 तक अब यहां पर कच्चे तेल के प्राइसेस इसी महीने में जा सकते हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहां पर मसालों की, जहां पर कुछ मुनाफा वसूली बनते हुए नजर आई है। आगे मौसम और एग्री में क्या रह सकता है, इस पर भी करेंगे कॉन्वर्सेशन। लेकिन सबसे पहले बात यहां पर सोने की करेंगे, और हमारे साथ इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी जी हैं। कोठारी जी नमस्कार। और कुछ मुनाफा वसूली यहां पर आई है, ऑफकोर्स बाजार यहां पर यूएस फेड की स्टेटमेंट्स देख रहा है, काफी सारे ऑफिशियल्स ने बातें करी हैं, साथ ही साथ यहां पर कुछ मुनाफा वसूली शायद ऑल टाइम के हाईस के बाद आनी भी थी। लेकिन सबसे बड़ा जो रीजन है वो है सीएमई की तरफ से जो कल सर्कुलर आया है, जहां पर हमने बढ़त आते हुए देखी है ट्रेडिंग मार्जिन्स के लिहाज से। अगर हम डिटेल में यहां पर देखें और जो कैलकुलेशंस हमने बैठ के करी हैं उसके लिहाज से, अगर आपको अब कॉमिक्स पे सोने को ट्रेड करना है तो 6.8% का इजाफा हमने मार्जिन एंड मेंटेनेंस में आता हुआ देखा है। कैसे रीड करते हैं, क्या यह बहुत बड़ा नंबर है, और कुछ मुनाफा वसूली क्या और इसकी वजह से आ सकती है? देखिए, जब दो चीज का होता है, एक तो मार्जिन इंक्रीज होती है और प्लस मार्क टू मार्केट का सिचुएशन होती है। जब कभी भी इस दो तरह की सिचुएशन, मार्क टू मार्केट के बाद में मार्जिन बढ़ने से थोड़ा प्रेशर आता है, लोग फिर पोजीशन को लिक्विड करते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा करेक्शन तो होप कर ही रहे थे, बट आज पेरोल डेटा भी है तो उस हिसाब से भी थोड़ा करेक्शन आना चाहिए। बट मार्जिन इंक्रीज करने की वजह से काफी हद तक बाजार को एक करेक्शन आ जाएगा, लोगों की पोजीशन कम हो जाएगी, लिक्विडिटी क्राइसिस रहता है तो ऑलवेज भी दूसरे आइटम बेच के उसमें मार्जिन पे करते, तो इस तरह के चलते रहते। तो मुझे लगता है जो स्टेप लिया है उससे थोड़ा करेक्शन आना जरूरी है। जी हाँ, एब्सोल्युटली, क्योंकि अगर कॉमेक्स 100 गोल्ड, जो कि बहुत ज्यादा देखा जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने के प्राइसेस जो हम रोज देखते हैं, ऑफकोर्स वहां पर जो मार्जिन्स हैं वो 8800 से बढ़ाकर अब $9400 पर कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया है, जो 6.8% का इजाफा है। कोठारी जी, यही हाल काफी हद तक चांदी का है। कॉमेक्स 5000 सिल्वर जो है उसका मार्जिन यहाँ पर 11.8% से बढ़ाया गया है, जो 8500 से अब 9500 हो गया है। चांदी में भी कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिली है। ऑफकोर्स अभी भी इसका एक सेंटिमेंट इंपैक्ट आना बाकी है, अभी भी हम धीरे धीरे यहां पर पोजीशन स्क्वायर ऑफ होता हुआ देखेंगे। ऑल टाइम हाईज बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा तेजी तो ऑलरेडी देख ही चुके थे। चांदी में भी आपको लगता है कि अब थोड़ी स्थिरता, कुछ मुनाफा वसूली नियर टर्म में एक्सपेक्ट की जा सकती है? देखिए, चांदी जैसे भी मार्जिन जब बढ़ाते हैं तो जो वॉलेटिलिटी देखते हैं कि डे वॉलेटिलिटी कितनी होती है, तो उस हिसाब से वो मार्जिन को इंक्रीज करते हैं। और चांदी की वॉलेटिलिटी आप कभी भी देखिए गोल्ड से काफी ज्यादा रहती है, तो इस हिसाब से चांदी की मार्जिन नो डाउट बढ़ानी बहुत जरूरी भी थी, और इसका इफेक्ट अभी आपको एमसीएक्स में भी देखने को मिलेगा। धीरे धीरे एमसीएक्स भी मार्जिन को उसको इंक्रीज करेगा, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं मार्जिन इंक्रीज से उससे बहुत फर्क आता है। और सिल्वर की बात है कि नो डाउट उसने मूव इतना फास्ट किया था, तो थोड़ा तो उसमें करेक्शन आना जरूरी है। अगर $26 के नीचे क्लोज होता है 3-4 दिन, तो मंदी एक मंदी के साइड में आ सकता है। बाकी एनालिस्ट चांदी $30 भी पहुंच सकती है। आपका पॉइंट सही है कोठारी जी, कि लॉन्गर टर्म अभी भी हम यहाँ पर फंडामेंटल साथ अगर खेलें तो ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड है, लेकिन जिस तरह की वॉलेटिलिटी थी, जिस तरह का एक तरफा मूव हमने यहाँ पर सोने चांदी में आता हुआ नजर आया, आई थिंक ये समय की बात है कि जब हम ये यहाँ पर होता हुआ देखते। पर मुझे आपसे क्वांटम भी समझना है कि 6.5 ऑलमोस्ट 7% का मार्जिन हाइक यहाँ पर सोने में और ऑलमोस्ट 12% का मार्जिन हाइक यहाँ पर चांदी में, आप ये क्वांटम कैसे देखते हैं? नहीं, उससे उतना फर्क नहीं पड़ता, पर थोड़ी इनिशियली जो फर्क पड़ता है, अभी शॉर्ट टर्म इन्होंने टेम्पररी इसको इंक्रीज किया है क्योंकि वॉलेटिलिटी बाकी है। अगर बाजार फिर रेगुलरली हो जाता है तो फिर वो मार्जिन को रिड्यूस कर देते हैं, उनका सिस्टम पहले से तय है। यहाँ हमारे यहाँ एमसीएक्स में काफी ज्यादा मार्जिन है कम्पेयर टू कॉमेक्स मार्जिन, तो यहाँ पे भी इनको मार्जिन इस हिसाब से कॉमेक्स को देख के ही मार्जिन रखनी चाहिए, तो काफी लिक्विडिटी इसके एमसीएक्स में भी आ सकती है। तो ये जो मार्जिन का जो पोर्शन रहता है शॉर्ट टर्म, जैसे वॉलेटिलिटी रहती है, अभी आपने देखा सिल्वर $10 बढ़ गया था, इट मींस तो मार्जिन के ऊपर उसका प्राइस मूव कर गया था। जितने एम टू एम जितनी इनिशियल मार्जिन होती है, मेंटेनेंस मार्जिन होती है, उसके ऊपर एक दिन का प्राइस मूव कर दिया, तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, इस हिसाब से लोग मार्जिन को इंक्रीज कर देते। तो ये ट्रेंड रहता है, अगर बाजार स्मूथ रहता है फिर स्लो स्लो रहता है तो फिर मार्जिन अपने आप वापस वो लोग रिड्यूस कर देते हैं।
एब्सोल्युटली, वो ऑफ कोर्स आगे जाकर यहाँ पर देखना होगा। कोठारी जी, अगर हम अक्टूबर से अब तक की बात करें तो सोने के भावों में करीब करीब 25% की तेजी हम आता हुआ देख भी चुके थे। अब जो ये थोड़ा बहुत करेक्शन है और जो मार्जिन का इम्पैक्ट आया है, शायद आने वाले दिनों में भी आएगा जैसे जैसे बाजार इसको यहाँ पर रिएक्ट करता है, कहाँ तक एक सपोर्ट बनता हुआ देखते हैं फिर आप सोने और चांदी दोनों में ही? देखिए, कभी आपने देखिए 2060 से गोल्ड ने मूव करना चालू किया था और धीरे धीरे मार्च में आप देखोगे तो 2060 का प्राइस था। तो कभी भी $260 के आसपास एक मूव रहता है, 240 to 260 डॉलर, उसके बाद में एक करेक्शन आना जरूरी हो जाता है, फिर वो एक्सट्रीमली ओवरबॉट में चला जाता है। अब ये धीरे धीरे ओवरबॉट टेरिटरी में, अब अपसाइड जाने की लिमिट कम होती है, बाय एकदम बाइंग साइड की एकदम पोजिशन नील हो गई, अब लोग कोई इस प्राइस पे कोई बाय नहीं कर रहे, तो हर जगह पे उसका बाइंग का पावर ही खत्म हो गया है। और जो सेल होता है या जो वो स्टॉप ट्रिगर होता है उसके ऊपर ये बाकी फिजिकल बाइंग इसके बहुत कम हो गया। अब आप देखोगे MCX $40 डिस्काउंट में मिल रहा है, लोकल मार्केट $23 डिस्काउंट है। तो इस तरह की मार्केट अगर डिस्काउंट में रहती है तो नो डाउट इम्पोर्ट पे भी उसका इफेक्ट आएगा। जी कोठारी जी, एक और चीज़ यहाँ पर, अब ऑफकोर्स मुनाफा वसूली यहाँ पर आई भी है, डिस्काउंट में बाजार चल भी रहा है यहाँ पर, अब यहाँ से किस तरह की मूवमेंट आप बनता हुआ देखते हैं? ऑल टाइम हाईज अभी भी 2400-2500 की यहाँ पर बातें की जा रही हैं, आपको लगता है वो ट्रेजेक्ट्री अभी भी यहाँ पर सेट है? देखिए, मुझे लग रहा है कि एक बार करेक्शन आना जरूरी है। अगर हुआ है या आपने देखा होगा तो काफी बढ़ गया है और लोग काफी लॉन्ग पोजीशन लेके बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं, तो उनको, और आप कैरी फॉरवर्ड चार्जेस देखिए तो ऑलमोस्ट वन रोल ओवर का $21 to $22 कैरी फॉरवर्ड चार्जेस मुझे रखना है। बाइंग करके आदमी इतने टाइम बैट होल्ड नहीं कर सकता, शॉर्ट टर्म के लिए है। नो डाउट जब भी करेक्शन आएगा तो 100, 150, $200 तक का करेक्शन आ सकता है, और मेरी यही सलाह है कि लॉन्ग टर्म के लिए 2200 का फुट बाय करके रख। कोठारी जी, एक फाइनल सवाल, एक और चीज भी यहाँ पर है कि पेपर गोल्ड में बहुत खरीदारी हुई है एज अ बाजार मान के चल रहा है, क्या यहाँ पर भी एक इम्पैक्ट हम इस मार्जिन हाई का आता हुआ देखेंगे? देखिए, यहाँ पे मार्जिन नो डाउट काफी हाई है, अगर आप कंपेयर टू कॉमेक्स करते हैं तो यहाँ पे मार्जिन काफी हाई है। यहाँ पे 2-3 फैक्टर है, रुपी का फैक्टर भी काम करता है, कस्टम ड्यूटी का भी फैक्टर काम करता है, और प्लस इंटरनेशनल मार्केट का फैक्टर भी काम करता है, तीनों मिक्स करके उस हिसाब से इन्होंने मार्जिन काफी हाई रखी है। अगर मार्जिन कॉमेक्स के कंपेयर करें तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी काफी आएगी और एक्सचेंज के अंदर वॉल्यूम भी आ जाएगा, और ETF की बाइंग अभी कॉन्स्टेंटली भी ETF की अभी भी बाइंग हो रही है, ऐसा नहीं कि इंडिया में ETF बाइंग नहीं हो रही है, बट थोड़ा स्लो डाउन है। मुझे लगता है एक लंबा करेक्शन अच्छा आना चाहिए, मे बी $2200 or $2150 तक का। ओके, सो 2200 or 2150 तक के लेवल्स यहाँ पर नीचे में देखने को मिल सकते हैं। एक मार्जिन हाई का सीधा इंपैक्ट हमने बाजार में आता हुआ देखा है, और जैसे कोठारी जी ने कहा भी कि इंडियन मार्जिन अगर आप इंटरनेशनल से कंपेयर करें तो ऑन द हायर साइड अभी भी हैं, तो हेजिंग को लेकर ऑफकोर्स अगर वो कम किए जाते हैं तो यहाँ पर हम और पार्टिसिपेशन आता हुआ देख सकते हैं। कोठारी जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत डिटेल में वो मार्जिन हाइक का इंपैक्ट यहाँ पर बाजार में समझाने के लिए भी। हमारे साथ एमिरेट्स NBD के धर्मेश भाटिया हैं। धर्मेश, आप कैसे देखते हैं ये CME का मार्जिन हाइक और इसका इम्पैक्ट? देखिए, मेरे हिसाब से जो इन्होंने मार्जिन बढ़ाया है वो एक्चुअली वॉलेटिलिटी रोकने के लिए बढ़ाया है, और प्लस आज वीकेंड भी है तो मुझे लगता है कि प्राइस में थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने मिल सकती है। पिछले हफ्ते से मार्केट में काफी अच्छी वॉलेटिलिटी आ चुकी है प्राइस में, तो करंट लेवल पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। खाली स्पेक्युलेटर इसमें हावी है, जो फंडामेंटल जिन्हें लॉन्ग टर्म बाय करना है तो मैंने वेट एंड वॉच की सलाह दूंगा। जिस तरह कोठारी ने कहा है कि मार्केट काफी ओवरहीट ओवरबॉट पोजिशन में आया है और एक्सचेंज इसलिए उतरा है मार्केट में कि रेट मार्केट को स्टेबल कर दे, क्योंकि एक तरफा आग लगी हुई है प्राइस में और प्राइस कंटिन्यूस बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखिए तो फंडामेंटली और टेक्निकली प्राइस में यहाँ से एटलीस्ट $50 to $100 की गिरावट आपको आने वाले समय में देखने मिल सकती है, और जो रेट हाइक की जो न्यूज है ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंटेड है। तो अगर सोने की बात करें तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सोना एटलीस्ट अराउंड 69,000 तक के लेवल आपको दिखा सकता है एक या दो ट्रेडिंग सेशन में भी एक हफ्ते के अंदर। और अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो 2250 का स्तर है जो काफी की लेवल है, मार्केट वहां पे आके समझ सकता है। रही चांदी की बात तो चांदी फिर से $30 का लेवल ब्रेक नहीं कर पाई है और वहां से फिर से आपको मुनाफा वसूली देखने मिल सकती है। डोमेस्टिक मार्केट में भी 80,000 का स्तर ब्रेक नहीं कर पाया है, तो यहाँ पे एटलीस्ट 500 to 1,000 rupees की गिरावट आपको करंट लेवल से देखने मिल सकती है। ऑलराइट, रवि, आपका क्या व्यू है यहाँ से, अगर किसी को खरीदना चाहिए या फिर आप बेच के काम करें, क्योंकि ये जो मार्जिन हाइक का इम्पैक्ट है वो ऑफ कोर्स प्राइसेस में धीरे धीरे बनता हुआ नजर आएगा? जरूर से आज ये इम्पैक्ट रहेगा, बट मुझे लग रहा है कि मार्जिन हाइक करना वैसे देखे तो बायर एंड सेलर दोनों के लिए नेगेटिव है, क्योंकि सेलर ज्यादातर सेलर फंसे हुए हैं, सेलर की जो पोजीशन है
उसमें उसको दो हिट लगते हैं, तो मार्जिन हाइक पे लगता है, साथ में एम टू एम का भी प्रेशर होता है, तो पहले एक पोजिशन सेलर के करते हुए ध्यान रखें। आई थिंक कि आज इंट्राडे के लिए डेफिनेटली जैसे आपसे फंडामेंटल से एंड जहां से गोल्ड बढ़ा है, ना तो डॉलर इंडेक्स में कुछ इतना गिरावट था, ना तो ट्रेजरी इतनी गिरी थी, एक थोड़ा स्पेकुलेटिव पोजिशन था जो थोड़ा हाइप बाइंग था ड्यू टू दिस जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, तो मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा मुनाफा वसूली का प्रेशर हो सकता है। शॉर्ट टर्म प्लेयर्स या इंट्राडे प्लेयर्स वहां पे सेल कर सकते हैं। लेवल स्पेसिफिक बात करें 69,520 के करीब गोल्ड के प्राइसेस चल रहे हैं, 69,600 के करीब बेच है, स्टॉप लॉस 69,820 का लगा है और डाउन साइड 69,100 तक के लेवल आने चाहिए, और सिल्वर में 79,500 के करीब एक बार बेच के चले, स्टॉप लॉस 80,000 का लगा है और डाउन साइड 78,700 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। पॉइंट टेकन, यानी कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर ऑलरेडी हम देख चुके हैं, मार्जिन हाइक का प्रेशर यहाँ पर बरकरार रहेगा, वॉलिटिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग थी, बाजार हीटअप हो चुके थे और ये शायद स्टेप लिया ही जाने वाला था। इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर यहाँ पर और बिकवाली आती है तो उसका सीधा इंपैक्ट ऑफकोर्स हम इंडियन बाजार में भी यहाँ पर सोने और चांदी दोनों में आता हुआ देखेंगे, जहां पर मुनाफा वसूली के साथ फिलहाल कारोबार है और जो हायर लेवल्स हैं वहां से हमने भाव गिरते हुए देखे भी हैं। ये तो बात हुई सोने चांदी की, बात अब यहाँ पर कच्चे तेल की करेंगे। हमारे साथ नरेंद्र तनेजा जी हैं। नरेंद्र तनेजा जी नमस्कार। एक तरफा तेजी यहाँ पर भी है, ये दूसरा लगातार ऐसा हफ्ता है जब कच्चे तेल में यहां पर तेजी के साथ कारोबार है, और एक जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है जो कहती है कि मार्च की अगर आप ग्लोबल डिमांड देखें तो 101.3 मिलियन बैरल प्रति दिन की रही है ग्लोबली, और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी हमने देखा है कि यहां पर डेफिसिट्स की बातें अब फिर से आने लगी हैं। कैसे देखते हैं आप इन सब फंडामेंटल्स एंड फैक्टर्स को? नरेंद्र जी कैसे देखते हैं आप प्राइसेस यहां से? जी, मैंने आपका सवाल सुना नहीं, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई जी। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जिस तरह से दूसरे हफ्ते लगातार तेजी है और जिस तरह से अब डेफिसिट की और बेटर डिमांड की बात की जा रही है, क्या आप देखते हैं प्राइसेस को और सपोर्ट वहां से? देखिए अभी जो कीमतें ऊपर जा रही हैं उसकी मुख्य वजह थोड़ा सा सप्लाई साइड में जो प्रोडक्शन कट ओपेक ने किया और साथ में रशिया ने भी किया और कुछ और देशों ने भी साथ में कर दिया, ये उसकी वजह है जो सप्लाई साइड को लेकर के बाजार में चिंता है। हालांकि अभी कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं है, लेकिन कुल मिला के मार्केट में एक तनाव है, एंजाइटी है कि जो सप्लाई साइड को कंस्ट्रेन करने के लिए ओपेक प्लस ने और अन्य लोगों ने जो कदम उठाए हैं उससे जो है वो दिक्कत हो सकती है। दूसरी तरफ डिमांड में थोड़ी सी बढ़ोतरी है, भारत से भी है, थोड़ी सी चीन से भी हुई है, कुछ अन्य देशों से हुई है, तो बाजार को ऐसे लग रहा है कि डिमांड जो है वो शायद आगे बढ़ेगी और सप्लाई जो है उसमें दिक्कत आ सकती है, तो उसका रिफ्लेक्शन है। अभी ये एक्चुअल में ऐसा हो गया उस पर बेस नहीं है, अभी ये कुल मिलाकर के एक उनका एक डर है जिसकी वजह। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो ये कि जो रशिया में रिफाइनरीज में हमले हुए हैं और रशिया काफी बड़ा एक्सपोर्टर है प्रोडक्ट्स का भी, पेट्रोल डीजल वगैरह वगैरह टर्बाइन फ्यूल, तो उसमें सप्लाई साइड में थोड़ी दिक्कत आना शुरू हो रही है, नए जो बुकिंग होनी है वो उसमें थोड़ी दिक्कत आने लगी है। और दूसरी तरफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इसराइल से जो संबंधों को लेकर के सवाल उठा दिए हैं और एक जगह कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि उनके संबंध जो है उसको रिव्यू करेंगे, उससे बाजार में काफी तनाव आ गया है। उनको लग रहा है, तेल के बाजार को लग रहा है कि मिडिल ईस्ट जो है ये थोड़ा अब हमास का मसला एस्केलेट होने लगा है, क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इसराइल के अच्छे संबंध है और एक वो एक संकेत था कि जो कुल हमास का मसला हो रहा है, गाजा का हो रहा है, लेकिन फिर भी जो कुल मिलाकर के वहां ये एस्केलेट नहीं होगा, लेकिन ये अभी जो पिछले 24 घंटे में हुआ इसको लेके बाजार में काफी टेंशन है कि ये एस्केलेट हो सकता है, और अगर एस्केलेट होता है तो कीमतें जो है वो परेशानी में आ सकती हैं। तो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स जो है ये रोल प्ले कर रहे हैं, और साथ साथ जैसा कि आप देख रहे हैं कि ओपेक जो है उसकी कोशिश ये है कि वो मतलब सस्टेन बेसिस पर $90 पर लेके जाए, लेकिन ये सब कहने के बावजूद मेरा अभी भी मानना है जिस लेवल पे आज कीमत दिख रही है, हालांकि कुछ लोग $100 की बात करने लगे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वहां पे वो ये 90 पे भी टिकेगा, या ये मुझे लगता है इसको वापस नीचे जाना होगा। उसके मुख्य कारण ये है कि इसको डिमांड सप्लाई फंडामेंटल्स की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, इसके पीछे मेजर फैक्टर जो है जियो पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल है, और कुल मिलाकर के परसेप्शनल है, जो कि परसेप्शनल की भी डिमांड सप्लाई ऐसा होने वाला है, तो ये सस्टेन नहीं हो पाएगा। और अभी तक जो बड़ी प्लेयर्स हैं जिनका बड़ी रोल होता है कीमतें तय करने में, अभी तक वो एक्टिव नहीं हुए, जिसमें खासतौर से अमेरिका है, खासतौर से हमने देखा कि चाइना, इंडिया, जापान, ये लोग भी एक्टिव हो जाते हैं जब कीमतें बहुत ज्यादा हो जाती है। अभी कोई एक्टिव नहीं हुआ है और सब जगह इलेक्शन हो रहे हैं, खासतौर से इंडिया में, अमेरिका में, तो $100 पर बैरल और $90 पर बैरल पे तो अगर ऐसा होता है तो बाइडेन साहब तो चुनाव हार जाएंगे।
तो इसलिए जो है ये अभी वो एक्टिव नहीं, तो इसलिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है वो और थोड़ी क्लैरिटी की जरूरत होगी। लेकिन आज जिस लेवल पे है उस पर टिक पाएगा, या जो $100 की बात हो रही है, मुझे कम से कम आज की जो ग्राउंड रियलिटी लैंडस्केप पे दिख रही है उसमें ऐसा होता नजर नहीं आता। $80-82 ये तो समझ में आता है, लेकिन 90-95-100 सस्टेन बेसिस पे अभी कुछ ये बात हजम नहीं होती। नरेंद्र जी, आपने यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स की बात तो की, लेकिन दूसरी तरफ चाइना का जो डेटा है वो थोड़ा बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है, बाजार को लगता है कि हम बाइंग उस वजह से देखते हैं, और अभी भी जिस तरह से चाहे आप जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट देखें या ANZ की देखें या बैंक ऑफ अमेरिका की देखें, ये जो वॉल स्ट्रीट बैंक्स हैं ये काफ़ी बुलिश हैं कच्चे तेल को लेकर। डेफिसिट की बातें यहाँ पर चल रही हैं, डिमांड अगर मार्च की देखी जाए तो 101 मिलियन बैरल प्रतिदिन ग्लोबल बताई जाती है, इन रिपोर्ट्स को आप कैसे देखते हैं जो कि काफी बुलिश हैं? देखिए, चाइना की आपने बात करी, चाइना में जो डिमांड पेट्रोल या डीजल या प्रोडक्ट्स की नहीं बढ़ रही है, चाइना तेल इंपोर्ट कर रहा है कच्चा तेल थोड़ा ज्यादा पहले से, और वो बेसिकली पेटकेम के लिए कर रहा है, जो पेटकेम में चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है, तो वो इम्पोर्ट करके पेटकेम कर रहा है। दूसरी तरफ जो आपने बात करी कि जो जिस तरह के जो वॉल स्ट्रीट के बिगीज हैं उनका जो परसेप्शन है, पहली बात तो ये सब मार्केट में प्ले करते हैं, तो इनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको हमेशा जो है वी हैव टू टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मैं वो कोई बाइबल या गीता नहीं होती, तो अपने हिसाब से ये लोग करते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये आने वाले समय में तो होगा, दूसरी तरफ ग्रीन एनर्जी में लेकर के जितना इन्वेस्टमेंट किया था, जो काफी एक हाइप बनने लगा था, वो हाइप जो है अब थोड़ा सा सेटल होने लगा है। लोग कह रहे हैं एनर्जी ट्रांजिशन जो है फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू, उसको भारी झटका लग चुका है, उसमें जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था रिटर्न अच्छे नहीं मिल रहे हैं, उसके लिए जितनी कैपिटल चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो ये एक हाइप था, हाइप जो है वो थोड़ा नीचे आने लगा है। कुछ लोग तो इस हद तक जा रहे हैं कह रहे हैं एनर्जी ट्रांजिशन फेल हो गया, तो इसको लेकर के ये हो रहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर जो है वो ऑयली है, तो इसको लेकर के काफी उत्साह है, जब उत्साह होता है तो कीमतें ऊपर जाती है। लोगों का मानना है मीडियम टू लॉन्ग टर्म, तो ये तो मैं भी मानता हूँ कि ऑयल जो है वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो हायर ही जाने वाला है, 120 भी होगा 130 भी होगा, लेकिन वो एक दूरी की बात है। अगर हम इमीडिएट 3-4-5 महीने की बात करते हैं तो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगा मुझे नजर नहीं आता कि वही आने वाले अगले महीने तक ये 2 महीने तक वो 110-105 जो वॉल स्ट्रीट के कुछ लोग बोल रहे हैं उसके पीछे डिमांड सप्लाई फंडामेंटल सपोर्ट नहीं करते। और जैसे मैंने बार बार मैं कहता हूँ कि जब बड़े देशों में चुनाव होता है ये पॉलिटिकल कमोडिटी है, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जिसकी अभी भी दखल है तेल की कीमत क्या होगी, वो क्या तेल की कीमत को $100 पर जाने देगा? अगर ऐसा होता है तो बाइडन साहब हारेंगे, ट्रंप साहब जीतेंगे, पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स बदल जाएगी, तो ऐसा इतना आसान नहीं होता। भारत जो है, भारत अगर $100 कीमत जो है वो पहुंच जाती है ब्रेंट की, भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता है, क्या वो आसानी से वो चुप बैठा रहेगा, सऊदी अरब से बात नहीं करेगा या रशिया से बात नहीं करेगा? तो इसलिए मुझे लगता है इतना आसान अभी पॉलिटिकल बड़े प्लेयर्स का इंटरवेंशन नहीं हुआ है, जो कभी भी हो सकता है अगर इसी हिसाब से कीमत ऊपर जाती है, जब होता है इंटरवेंशन बाजार को उनका इंटरवेंशन को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है और कीमतें नीचे जाती है। वो पॉइंट बहुत सही आपने बोला यहाँ पर। आज ऑफ कोर्स यहाँ पर 2% की तेजी है 91 के स्तर निकलते हुए नजर आए हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि फिलहाल सस्टेन नहीं होंगे क्योंकि ये साल काफी इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिक्स एक तरफ है, चाइना दूसरी तरफ है, लेकिन इलेक्शंस जो है वो एक काफी बड़ा मुद्दा यहाँ पर रह सकता है। नरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और कच्चे तेल पर वो फंडामेंटल्स शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है हमारे एक्सपर्ट्स, लेकिन हमारे साथ बने रहेंगे, हम ब्रेक के बाद यहाँ पर डिस्कस करेंगे कमोडिटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। स्वागत है, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप। और धर्मेश, आपसे पहले जानना चाहेंगे, नरेंद्र त्रिनेता जी को तो लगता है कि लॉन्ग टर्म में 120-130 के प्राइसेस भी हो सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स नियर टर्म में नहीं क्योंकि इस साल इलेक्शंस हैं, इंडियन मार्केट्स में या रुपी टर्म्स में अगर हम देखें तो कैसे देखते हैं आप प्राइसेस? देखिए, मैं अभी भी काफी बुलिश हूँ, इनफैक्ट लास्ट 3-4 महीने से मैं कंटिन्यूअसली शो में यही कह रहा हूँ कि मार्केट में ट्रेजेक्टरी अपसाइड डायरेक्शन में है, डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड है। और जैसे ही चाइना ने ओपन हुआ है मार्केट में, अगर आप देखें तो स्लो एंड स्टेडली हफ्ते दर हफ्ते $1-1.5 की तेजी आपको मार्केट में देखने मिल रही है। करंटली 7,200 का स्तर कंटिन्यूअसली मेंटेन कर रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट 90 के ऊपर है और WTI 85 के ऊपर है। ये काफी की लेवल था जो मार्केट में उन्होंने ब्रेक किया हुआ है। आज फ्राइडे, इवन दो फ्राइडे के मार्केट में मार्केट स्लो एंड स्टेडी होना चाहिए, बट नेक्स्ट वीक मुझे लगता है कि यहाँ पे ट्रेजेक्टरी अभी भी ऊपर का है और $3-4 की तेजी आपको करंट लेवल से। और डोमेस्टिक मार्केट की तरफ देखिए,
तो रुपया मुझे कमजोर लग रहा है, तो यहाँ पे प्राइस में और अपसाइड देखने मिल सकता है। अराउंड 7500 तक के स्तर आपको छोटी अवधि में, एक से दो हफ्ते के अंतराल में देखने मिल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करने की मना करूंगा, मैं गिरावट पे बाय करने की सलाह रहेगी मेरी। और अगर प्रोजेक्शन कंटिन्यू रहा इलेक्शन के पहले, मार्केट यहाँ पे अच्छी खासी $95 ब्रेंट की तरफ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आने की तरफ। साथ ही अगर गैस की बात करें धर्मेश, तो यहाँ पर क्या व्यू है, क्योंकि कुछ सपोर्ट यहाँ भी लौटा है? देखिए गैस की बात करें तो गैस काफी चंचल कमोडिटी है और इसकी वॉलेटिलिटी काफी सीमित दायरे में ट्रेड होती है। यहाँ पे मोमेंटम मुझे लगता है कि 140-135 डाउनसाइड, अपसाइड 160-175। इसकी जो मेन वॉलेटिलिटी हमेशा ठंडी के माहौल में होती है, तो करेंटली मैं सलाह नहीं दूंगा इसमें ट्रेड करने की, और वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी रहेगी मेरी इसमें। साथ ही बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं। रवि, इन्हें आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अगर ये हफ्ता देखा जाए तो अच्छे खासे गेन्स यहाँ पर हैं। 16 महीने के हाईस पर कॉपर, 13 महीने के हाईस पे एल्युमिनियम, जिंक में आउट परफॉर्मेंस बनती हुई नजर आई है। जरूर से सप्ताह में काफी अच्छी बाइंग देखने को मिली। डॉक्टर धर्मेश का डॉक्टर कॉपर सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म करके गया है। मुझे लग रहा है कि ये जो तेजी है कॉपर में जारी रह सकते हैं, वहां अभी भी आउट परफॉर्मेंस के चांसेस दिख रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में काफी स्टीप रेजिस्टेंस $4 का था, वो ब्रेक करके कंफर्ट के साथ ट्रेड कर रहा है। आज थोड़ी मुनाफा वसूल है क्योंकि इंटरनेशनल क्यूज थोड़े वीक है। मुझे लग रहा है कि इसमें डिप पे बाय करना चाहिए, 795 के करीब बाय करें, स्टॉप लॉस लगाया अराउंड 788 एंड टारगेट 810 का रहेगा। जो लोग ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, इसके 4 दिन के बाद एक्सपायरी है। मुझे लग रहा है कि आप 798 पे कॉपर का जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है वो बाय कर ले और ऑप्शन में 800 के स्ट्राइक का कॉल बेच दे। इससे क्या होगा, आपका जो मुनाफा होगा वो 13 पॉइंट का होगा और आपकी जो ब्रेक इवन होगी वो नीचे 786 की होगी। तो मुझे लग रहा है कि ये भी एक बेटर ऑप्शन है कि आप ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रेटेजी का, और डायरेक्ट फ्यूचर में बाय करना है तो 795 के करीब कॉपर में आप बाय कर सकते हैं। ओके, आप दोनों से एक बहुत शॉर्ट एंड स्वीट सा सवाल है। अब आगे जाते हुए, क्योंकि आज यूएस का इन्फ्लेशन डेटा है, अगले हफ्ते आज यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा है, अगले हफ्ते इन्फ्लेशन डेटा है, तो धर्मेश अगर एक कमोडिटी जहां पर आप लॉन्ग होकर इन दोनों ही इवेंट्स में जाना चाहें तो कौन सी है? मैं कहूंगा चांदी की तरफ बैट करूंगा, क्योंकि चांदी अभी भी अंडर परफॉर्मर है और यहाँ पे अच्छी खासी तेजी आने वाले समय में देखने मिल सकती है। करंट लेवल पे भी बाय करके चल सकते हैं, काफी की लेवल है 80,000 का, वो मैं मुझे लगता है कि यहाँ पे ब्रेक करके ये प्राइस 81-82,000 के लेवल्स आपको दिखा सकता है। तो मैं यहाँ पे बाय की सलाह दूंगा और स्टॉप लॉस रहेगा 78,500 का। रवि, एग्री नॉन एग्री, जहाँ पे आपको लगता है कि एक कमोडिटी होल्ड करके जाना चाहिए आगे? मेरे हिसाब से नॉन एग्री में सिल्वर में मैं भी प्रेफर करूंगा। सिल्वर मुझे लग रहा है कि यहाँ से क्लियर आउट परफॉर्मर है, बाय करें 79,000 के जितने करीब मिले, स्टॉप लॉस 78,200 का लगा और 81,000 तक के शॉर्ट टू मीडियम टर्म के टारगेट वहां पे देखने को मिल सकते हैं। नॉन एग्री बास्केट से मुझे लग रहा है कि जो क्रूड की तेज है इसका एक सेंटिमेंट सपोर्ट गुआर कॉम्प्लेक्स में आता दिख सकता है। गुआर में काफी टाइम का अंडर परफॉर्मेंस है, गुआर गम बाय करें 10,500 के करीब बाय करें, स्टॉप लॉस लगाए 10,120 का और 11,000 तक के लेवल इस टाइम गुआर गम में भी देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, सोना, चांदी, कच्चा तेल, गैस, गुआर, सभी में यहाँ पर तेजी की एक्सपेक्टेशन है, खरीदारी के व्यूज भी बनते हुए नजर आए हैं। बहुत शुक्रिया धर्मेश आपका और रवि आपका भी साथ जुड़ने के लिए और तमाम स्ट्रेटजीज पे चर्चा करने के लिए। ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटीज की।